पिंटू बोला, आज बैंक में बड़ी बेइज्जती हो गई, खाता खुलवाने गया था। चिंटू, क्यों? पिंटू, उन लोगों ने फॉर्म भरने को बोला और कहा कि दो लोगों के नाम बताओ जिनको बैंक अच्छी तरह जानता हो। मैंने विजय माल्या और नीरव मोदी का नाम लिख दिया। चिंटू, फिर क्या हुआ? पिंटू, फिर उन लोगों ने फॉर्म फाड़ दिया और मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बता, मैंने कोई गलती की? हमारी उम्र चाहे जितनी भी हो गई हो, लेकिन अभी भी कहीं जब बिल्ली देखते हैं तो दो बार जरूर बोल देते हैं, म्याऊ म्याऊ, ए बिल्ली मौसी। लड़का फोन पे, कहाँ हो अभी? लड़की, अभी तो मैं अपने पापा की BMW कार से मार्केट जा रही हूँ, फिर शॉपिंग मॉल और फिर कपड़े और ज्वेलरी खरीदूंगी, फिर मिलेंगे। लेकिन तुम कहाँ हो? लड़का, तू जिस टेम्पो में बैठी है ना, मैं उसी के पीछे लटका हूँ। और सुन, किराया मत देना, मैंने दे दिया है। लड़की बेहोश। अपना बैलेंस चेक करना हो तो केले के छिलके पे पैर रखे, ATM में तो कोई भी कर लेता है। धड़कन फिल्म में बहुत गलती कर दी डायरेक्टर ने, जब अक्षय कुमार का नाम राम और सुनील शेट्टी का नाम देव था, दोनों मिलकर रामदेव बने, तो ये शिल्पा शेट्टी का नाम भी अंजलि की जगह पतंजलि ही रखना था। चलिए चुटकुलों के बीच में एक सवाल बताए, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नदी है पर पानी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, सड़क है पर गाड़ी नहीं, और शहर है पर घर नहीं? बताओ, कमेंट करके बताओ। एक छिपकली की नीलामी हो रही थी, पहली बोली थी 1 लाख, दूसरी बोली थी 10 लाख, तीसरी बोली थी 50 लाख, चौथी बोली थी 1 करोड़। इतने में पुलिस पहुंच गई, मामला कोर्ट में गया, वहां जज के सामने फिर बोली लगी। पहला 1 लाख, दूसरा 10 लाख, तीसरा 50 लाख, चौथा 1 करोड़। इतने में जज बोल पड़े, इस छिपकली में ऐसा क्या खास बात है कि इतनी ऊंची कीमत? तभी किसी ने बताया, जज साहब, ये छिपकली ही ऐसी चीज है जिससे बीवी डरती है। जज तपाक से बोल पड़े, मेरे 2 करोड़। एक सच बात, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां खुद के लिए समय खुद की ही जिंदगी से चुराना पड़ रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।